दोस्तों, राजस्थान केडर के आईएएस अधिकारी रिया डाबी ने शादी कर ली है। रिया ने महाराष्ट्र केडर के आईपीएस मनीष कुमार के साथ विवाह किया है। मनीष कुमार का केडर अब महाराष्ट्र से बदलकर राजस्थान कर दिया गया है। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं ज्योति प्रकाश धादिच और आज के वीडियो में जानते हैं कौन है आईएएस रिया डाबी के पति आईपीएस मनीष कुमार। दोस्तों, राजस्थान केडर के आईएएस अधिकारी रिया डाबी ने शादी कर ली है। रिया ने महाराष्ट्र केडर के आईपीएस मनीष कुमार के साथ विवाह किया है। केंद्रीय गृह मंत्रालय ने आईपीएस मनीष कुमार का केडर महाराष्ट्र से बदलकर राजस्थान कर दिया है। एमएचए की ओर से जारी नोटिस में केडर बदलने का कारण राजस्थान केडर की आईएएस रिया डाबी से शादी होना बताया गया है। नोटिफिकेशन और दोनों की फोटो एक साथ सामने आने के बाद रिया डाबी को सोशल मीडिया पर बधाइयां दी जा रही है। दोस्तों, आईएएस रिया डाबी और आईपीएस मनीष कुमार दोनों यूपीएससी 2021 बैच के हैं। दोनों की पहले दोस्ती थी और बाद में दोस्ती से ये मुलाकात प्यार में बदल गई। इसी साल अप्रैल में दोनों ने शादी कर ली। बताया जा रहा है कि दोनों ने आपसी सहमति से परिवार की मंजूरी के बाद कोर्ट मैरिज की है। शादी को आधार बनाकर नियमों के तहत मनीष ने केडर चेंज की अर्जी लगाई थी, जिसे केंद्रीय गृह मंत्रालय ने स्वीकार करते हुए केडर चेंज का नोटिफिकेशन 16 जून को जारी किया। दोस्तों, रिया डाबी की बहन टीना डाबी ने बताया कि दोनों 2021 बैच के ऑफिसर हैं। रिया फिलहाल असिस्टेंट कलेक्टर के तौर पर अलवर जिले में पोस्टेड है। आईपीएस मनीष कुमार महाराष्ट्र केडर के ऑफिसर हैं। आईपीएस मनीष कुमार मूल रूप से दिल्ली के रहने वाले हैं। बीटेक के बाद सिविल सर्विसेज की तैयारी की थी। परिवार में माता पिता के अलावा उनकी एक बहन है। मनीष कुमार को पहली पोस्टिंग उस्मानाबाद महाराष्ट्र में मिली थी। जैसलमेर कलेक्टर टीना डाबी ने बताया कि वो बहुत खुश हैं और दोनों को बहुत सारा आशीर्वाद देती हैं। रिसेप्शन आने वाले महीनों में करने की तैयारी चल रही है। आज के वीडियो में फिलहाल इतना ही। ऑफिसर से जुड़ी जानकारी के लिए देखते रहिए दी ऑफिसर्स। धन्यवाद।